शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष रूप से ऐसे शिक्षक जो विद्या तत्व को भी जानते हैं और विद्या के धर्म से भी परिचित हैं और उसका अनुपालन करते हैं, तो ऐसे सभी अध्यापक वृंद को प्रणाम करते हुए और उनका अभिवादन करते हुए हम आज प्रश्नों से अपनी बात शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि आज का विषय जो है वो प्राचीनिक तकनीक, यानी कि विधि आप कह सकते हैं, तकनीक आधुनिक शब्द है लेकिन हमारे जो परंपरागत शब्द इसके लिए प्रयोग होगा वो विधि, उसके संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य परंपरा में जिज्ञासा का परिभाषीकरण। यानी कि जिज्ञासा का संदर्भ कुछ और है और प्रश्न जो है उसका एक औपचारिक रूप आप इसको समझ सकते हैं कि सभी जिज्ञासाएं जो हैं वो प्रश्न के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, या इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो प्रश्नों से हम जिज्ञासा का अनुमान कर सकते हैं कि जिज्ञासा का स्वरूप क्या होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे प्रश्नों के स्वभाव, प्रश्नों की नेचर, उनके भीतर रहने वाला जो अर्थ है उसको बनाने की जो विधि है या प्रश्न का जो स्वरूप जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। प्रश्नों का उत्तर कोई देने की आवश्यकता नहीं है, और ये बात मैंने अपने निवेदन में, अपने नोट में भी आप सबके साथ साझा किया था कि किसी प्रश्न को पकड़ के उसके उत्तर देने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हमें ये जानने की आवश्यकता है कि प्रश्न बनता कैसे है, उसका स्वरूप क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, और क्या हम प्रश्न को ज्यादा रिफाइन कर पाते हैं, और हमारी प्रश्न के बारे में समझ क्या है, समझ क्या बनती है। उत्तर हम सभी के पास तैयार रहते हैं क्योंकि हम लोगों का प्रशिक्षण ही कुछ ऐसा हुआ है कि हम सभी जो है वो उत्तरों के साथ हमेशा सन्नद्ध हैं कि कोई प्रश्न पूछे और उत्तर हमारे पास तुरंत तैयार है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं ऐसे होती हैं जिनके कोई उत्तर स्पष्ट नहीं हो सकते, और उत्तर होंगे भी, उत्तर दिए भी जाएं तो वो पर्याप्त नहीं बैठते। तो ये बात आगे चल के मैं लगभग अगले 15 मिनट आप लोगों के साथ चर्चा और करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको अपने वैदिक काल से लेके वर्तमान काल तक आपको बहुत सारे प्रश्न, पूरी प्रश्न परंपरा ही देखने को मिलती है। नचिकेता से शुरू हो जाएं आप, नचिकेता के प्रश्न हैं जो यम से वो पूछ रहा है, 3 प्रश्न आप सभी जानते हैं। फिर एक जो और प्रश्न करता, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करता है वो नारद है, जहां जाते हैं कोई ना कोई प्रश्न छोड़ आते हैं। और फिर आप प्रश्नों के एक उस स्वरूप से परिचित हैं जो याज्ञवल्क और गार्गी के मध्य हुआ, उससे भी आप परिचित हैं। एक प्रश्न का स्वरूप वो है जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में घटित हुआ, लेकिन एक प्रश्न की परंपरा कुछ और तरह की है जो शिव और पार्वती में है। कभी शिव पार्वती से प्रश्न पूछ रहे हैं और कभी पार्वती शिव से प्रश्न पूछ रही है। फिर और एक प्रश्न परंपरा आपको दिखाई देती है जो बौद्धों में आप देखते हैं, जहां पर आनंद जाकर के बुद्ध से बार बार प्रश्न पूछता है और लोग प्रश्न पूछते हैं और बुद्ध उनका उत्तर देते हैं। और इसी तरह से फिर जैनों की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो वहां महावीर से भी ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग प्रश्न पूछने आ रहे हैं, निरंतर प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक थोड़ी सी प्रश्न परंपरा हमें दिखाई देती है, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास पे ज्यादा आधारित है, जो कि क्रिश्चियनिटी में हमें दिखाई देती है, लेकिन उन प्रश्नों का स्तर बिल्कुल ही अलग तरह का है। और क्राइस्ट और उनके जो डिसाइपल्स हैं उनके बीच में जो प्रश्न है वो क्रियोसिटी वाले प्रश्न है, वो अभी इंक्वायरी वाले लेवल पे मुझे उसमें कोई देखने को नहीं मिले। और फिर एक जो प्रश्न आपको दिखाई देता है जिसको, जो कि उपदेशात्मक रहते हैं, कि जिसमें कि मनुष्य, देवता और असुर ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि उपदेश दीजिए, तो वस्तुतः कोई प्रश्न नहीं है लेकिन एक है कि आप हमें कुछ ना कुछ बताएं, तो एक सहज उत्सुकता आदि आप उसको कह सकते हैं। अब इस प्रश्न परंपरा के लिए एक जो शब्द मेरे सामने आया वो है दूसरी परंपरा की खोज। इसका जो वैकल्पिक आप विषय समझ सकते हैं, दूसरी परंपरा से मेरा अभिप्राय क्या है कि एक
प्रश्न एक परंपरा है जो उत्तरों की परंपरा है, जो कि हमें भाष्य टीका ग्रंथों में देखने को मिलती है, या हम लोग उसके वाहक हैं कि हम तुरंत उत्तर देते हैं कि कोई प्रश्न पूछे से ही, और हम तुरंत उत्तर अपनी क्लास में देते हैं। लेकिन उत्तर देने वाले से भी अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वो दूसरी परंपरा के जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही उत्तरों को पैदा करती है। तो वो प्रश्न परंपरा क्या है, उस परंपरा को आज हम खोजने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उसका ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है उन प्रश्नों का, जैसा कि मैंने आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाया है। ये तो है ऐतिहासिक विकास क्रम, आप कह सकते हैं इसको, लेकिन उसके साथ साथ उसका विस्तार क्रम क्या रहा है। क्या आदि प्रश्न जो है, जो सबसे पहले प्रश्न रहा होगा, और आज तक की मनुष्यता के जो प्रश्न है, क्या उनमें मूलभूत कोई परिवर्तन आया, उनमें क्वालिटी और क्वांटिटेटिवली कोई परिवर्तन आए या नहीं आए, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें समझ लें जो अगले कुछ पलों में मैं आपके साथ और साझा करने जा रहा हूँ, कि प्रश्नों को जानने वाले जो हैं वो चार प्रकार के हैं। भगवद गीता आप सभी ने पढ़ी है, जानी है, इसलिए मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चार प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास प्रश्न होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आर्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, और वो कुछ ना कुछ समाधान चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के, या अगर वो थोड़ा सा उत्तम स्तर का व्यक्ति है तो शायद हो सकता है अपने आस पड़ोस और अपने परिवार के या समाज के पीड़ाओं का निदान चाहता हो। दूसरी तरह के जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो अर्थार्थी होते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलने होते हैं, जैसे कि हमने पार्लियामेंट में देखे या कहीं संविधान पे, मुझे रेफरेंस ध्यान नहीं है, जहां पैसे लेकर के प्रश्न पूछने की बात आई थी, तो ऐसे अर्थार्थी भी होते हैं। तीसरी तरह के जो प्रश्नकर्ता हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं, गीता में उसका रेफरेंस बहुत आया है कि जो जिज्ञासावश पूछे जाते हैं। तो और चौथी तरह के प्रश्न होते हैं जिनका संदर्भ मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी साझा करूंगा, वो है ज्ञानी, कि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के पास जाता है और वो उससे प्रश्न पूछता है कि इस प्रश्न का स्वरूप क्या है और इसका उत्तर क्या है, समाधान क्या है। वो बल्कि उत्तर भी नहीं कहता, समाधान ही एक तरह से वो बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को भी हम गौर कर लें, लेकिन इससे आप असहमत हो सकते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रश्न और जिज्ञासा का एक अंतर तो ये होता है कि प्रश्नों के उत्तर होते हैं लेकिन जिज्ञासा शांत होती है, जिज्ञासा का कभी कोई उत्तर नहीं होता। अगर आप ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तो आप कहें कि मैं उसका जिज्ञासा का उत्तर दे दूं, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर ना तो पर्याप्त होगा ना वो कोई बहुत संगत होगा। हाँ, 2+2 पूछेंगे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न और जिज्ञासा के मूलभूत अंतर को आप यूं समझ सकते हैं उसके उत्तर के रूप में, कि प्रश्न का उत्तर होता है और जिज्ञासा हमेशा शांत होती है, और जिज्ञासा कभी शांत, अन्यथा जिज्ञासा अपने आप में आपको कभी शांत होने नहीं देती जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता, उपलब्धि नहीं हो जाती। दूसरा, जो प्रश्न सामान्य रूप से आप देखते हैं, वो प्रश्नों का संबंध आपके आदिम भय और बुभुक्षा से रहता है, प्राइमोर्डियल हंगर और प्राइमोर्डियल फियर। प्रश्न इससे ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाते, कम से कम वेस्ट का जितना मैंने थोड़ा जाना या समझा या देखा या अनुभव किया, उसमें मुझे अभी तक लगा है कि वहां के प्रश्न जो है, वहां का ज्ञान अभी भी सर्वाइवल के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाया है। लेकिन आप जब अपने साहित्य को देखते हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरा साहित्य है या मैं उसको बिलोंग करता हूं या पक्षपात के कारण, लेकिन ये एक बात दिखाई देती है कि वहां जिज्ञासा का संबंध सौंदर्य बोध के अनुसंधान से है, कि मैं अपने जीवन को सौंदर्यपूर्ण रूप से कैसे जीऊं। वो ना सुख की बात कर रहे हैं ना सुविधा की बात कर रहे हैं, एक सौंदर्य के रूप में एक स्वस्थ जीवन की वो उपलब्धि की बात करते हैं। तो जिज्ञासा जो है वो सौंदर्य बोध की ओर लेके चलती है, सौंदर्य बोध पूर्ण जो जीवन है उसकी ओर अग्रसर चलती है, और दूसरी ओर प्रश्न जो है वो केवल भय और बुभुक्षा को ही शांत करने में लगे रहते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आप और समझने का प्रयास करें तो आपको और क्लियर हो जाएगी कि सोफीज वर्ल्ड, एक इसका रेफरेंस मैंने आगे भी किसी वेबिनार में दिया था, कि जस्टिन गार्डर का एक उपन्यास फिलोसफिकल नॉवल है, और मैं समझता हूँ कि इसको जरूर हम सभी को देखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। तो वो 9-10 साल की
लड़की है, स्कूल से आती है तो उसको दो पत्र मिलते हैं अपने लेटर बॉक्स में उसके नाम से, और उस जब वो लेटर ओपन करती है तो वो खोलने के बीच में उसको जो पहला प्रश्न मिलता है वो क्या है, हु आर यू, ये उसको पहला प्रश्न मिलता है। और इसके जब वो एनालाइज करने लगती है, सोचने लगती है, तो फिलॉसफी का जो सोचने का तरीका है वो धीरे 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 वो विकसित करता है अपने उसमें। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो जिज्ञासा में आपके जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, कर्म विचिकित्सा, ये भी बड़ा एक सुंदर शब्द है जिसपे हमें फोकस करना होगा, क्योंकि प्रश्न निर्माण में या जिज्ञासा निर्माण में विचिकित्सा शब्द है, कर्म विचिकित्सा, वृत्त विचिकित्सा। फिर दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, ये भी आपको देखने में मिलता है, और इस तरह के बहुत सारे जिज्ञासा के प्रश्न मिलते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन अंतर पड़ जाता है। दूसरा जो उस सोफी को जो प्रश्न मिलता है दूसरे पत्र में वो है वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम, यहाँ वेयर में ई रह गया है लेकिन मैं ठीक कर लेता हूँ, वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम कि दूसरा प्रश्न है। और फिर उसके ऊपर वो जब विचार करने लगती है तो वो जितने भी वेस्ट के फिलोसफिकल स्कूल्स हैं उनके वो ट्रेडिशन को ओपन करता जाता है। तो प्रश्न का स्वरूप कैसे बनता है कि कब, कहां, क्यों, कैसे एवं किस लिए आदि की शब्दावली से परिभाषित शब्द प्रश्न होता है। तो वो चाहे 2+2 से लेकर के E=mc² तक के प्रश्न हों वो आप देख पाएंगे। अब इस बात को थोड़ा सा और अग्रसर करते हुए हम देखें कि हम ये जानना चाहते हैं कि संस्कृत शास्त्रों और विविध विज्ञानों में, समाज विज्ञानों, साहित्य कलाओं और अब्राहमिक संप्रदायों में के मूलभूत प्रश्न क्या हैं, उनकी जिज्ञासाएं क्या और कौन सी हैं, इस बात को हम देखें। तो आपके सामने तुरंत ये बात ध्यान में आती है कि प्रश्न या तो आप एक कर्ता के रूप में करेंगे, भोक्ता के रूप में होगा, या ज्ञाता के रूप में आपके प्रश्न होंगे। ये 3 प्रश्न हो सकते हैं। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो या तो एस्थेटिक लाइफ से संबंधित होंगे या क्वेश्चंस ऑफ सर्वाइवल होंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले टॉप के ऊपर आ जाइए तो आपको अपनी परंपरा में, चाहे वो बौद्ध जैन परंपराएं हैं या हमारी अपनी वैदिक परंपरा है, वो पुरुषार्थ केंद्रित है। पुरुषार्थ से आप मोक्ष प्राप्त करें, कैवल्य प्राप्त करें, आप चाहे निर्वाण प्राप्त करें, तो वहां प्रश्न का स्तर ये है। लेकिन जब आप ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक परंपरा ट्रेडिशन की ओर अग्रसर होते हैं तो वहां आप देखते हैं कि फेट का रोल सबसे ज्यादा है। प्रश्न वहां किसके आधार पर निर्मित होते हैं, भाग्य नियति के आधार पर निश्चित होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि उसकी माइथोलॉजी में अगर आप वो देखें, ओडिपस जिसका नाम है, जो अपनी मदर से विवाह करता है और अपने पिता की हत्या करता है, तो फेट जो है वहां वो प्रश्न पैदा करती है कि मनुष्य इन सब से मुक्त कैसे हो, या उसका नियति क्या है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और इसी तरह से जब आप अब्राहमिक रिलीजन्स की ओर चलते हैं तो आपको प्रश्नों का स्तर जो है वो कहाँ से, उसकी उत्पत्ति मिलती है सिंध से, क्योंकि आपने ज्ञान का सेब खा लिया, फल खा लिया, और आप क्या हो गए, आपने सिंध कमिट कर दिया, और उससे जो है आदमी जो है उसमें पाप को लेकर के आपके प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और इसी तरह से आप कुछ शब्दावली को और देख लें कि इसी प्रश्न की परंपरा में जब प्रश्न को आप परिभाषित करने लगेंगे तो संशय, संदेह, विचिकित्सा, इस तरह के शब्द को आप लेकर के बात शुरू करेंगे, और उसका जो स्वरूप खड़ा होता है वो कब, क्या, कहूँ, ये आप सब जानते हैं, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। और इसी तरह दूसरे पक्ष में जब आप विज्ञान के स्तर पे जाते हैं तो सृष्टि उत्पत्ति के प्रश्नों के ऊपर उसका ध्यान ज्यादा रहता है, और जब आप समाज विज्ञान के प्रश्नों पर आते हैं तो मानवीय व्यवहार उसका केंद्र में रहता है, और साहित्य, कला और संगीत में मनुष्य की संगतता के प्रश्न जो है वो केंद्र में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ देना चाहता था। इसके अतिरिक्त जो एक बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है कि भारतीय परंपरा में, मुझे पता नहीं वेस्ट में मुझे देखने को तो नहीं मिली, लेकिन भारतीय परंपरा में अगर आप देखें तो आपको 4 प्रकार के प्रश्नों की कोटियां मिलती हैं, जिसमें हर शिष्य को हमें उसका प्रशिक्षण करना चाहिए, हालांकि करते नहीं है लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी परंपरा के प्रश्न है। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जैन धर्म का, जैन दर्शन का,
जहां से ये वहां पर ये प्रशिक्षण के रूप में उपलब्ध होता है। हालांकि वो ग्रंथ मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कि कैटेगरीज वहीं से मुझे मिली। और आप ये देखें जो ऊपर मैंने कोटेशन लिखी हुई है कि सिद्धार्थ हरमन है इसका नॉवल जो कि जिसपे नोबल पुरस्कार मिला था, वो भी क्या कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज थर्स्टेड फॉर नॉलेज, आई हैव ऑलवेज बीन फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो सिद्धार्थ के माध्यम से हरमन है ये अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो चार तरह के प्रश्न है, एकांश व्याकरणी प्रश्न, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एकांश व्याकरणी प्रश्न का मतलब है जिसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं। दूसरा जो है वो प्रतिपृच्छा व्याकरणी प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आप काउंटर क्वेश्चन करके देते हैं। जैसे कि आप ये सवाल कर सकते हैं, इज इट वर्थ वाइल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन एंड इंक्वायरी, देन द काउंटर क्वेश्चन विल बी डू यू थिंक अ पर्सन कैन इवॉल्व विदाउट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। और इसी तरह स्थापनी प्रश्न होते हैं जो कि इररिलेवेंट प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चौथी जो कैटेगरी है जिसकी हम चर्चा आज विशेष रूप से करने जा रहे हैं वो है विभज्य व्याकरणी प्रश्न। वो क्या है कि जिनके उत्तर आप तर्कसंगत रूप से विश्लेषण पूर्वक और विचार पूर्वक उत्तर देते हैं, और वो सही में उत्तर भी होते हैं कि नहीं होते, या वो प्रश्न को और अधिक सटीक बनाने की होता है, या प्रश्न का वो संस्कार करने का एक प्रयास होता है, ये वो वाला चौथी जो है वो कैटेगरी है। तो ये चार कैटेगरीज बड़ी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न परंपरा को जानने और समझने के लिए। अब जो इसमें एक बात जिसने मुझे इस सारे वेबिनार के लिए उत्सुक किया और उसी ने मेरे में ये उत्सुकता बनाए रखी है अभी तक, वो क्या है कि नारद जो है वो सनत कुमार के पास जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि आप मुझे जो है आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे पढ़ाएं, मुझे सिखाएं। तो सनत कुमार उसे कहते हैं कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक पढ़ा क्या है, और जितना तुमने पढ़ा होगा उससे आगे मैं आपसे बात शुरू करूंगा। और नारद कहते हैं कि मैंने ऋग्वेदम भगवोद्यमी, मैंने ऋग्वेद यजुर्वेद और जितनी सारी 16 विद्याएं 18 विद्याएं हैं उन सारी विद्याओं का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं। तो वो क्या कहते हैं जिस जो बड़ा मूल्यवान पंक्ति है, वो कहते हैं कि मंत्र विदेव भगवो मंत्र विदेवास्मी नात्म वित, मैं मंत्र को जानने वाला हूं, मैं शब्दों को जानने वाला हूं, शब्दों का ज्ञान रखने वाला हूं, लेकिन आत्मवित नहीं। मुझे लगा कि ये जिज्ञासा का रूप वस्तुतः बनता है हमारी परंपरा में, ये प्रश्न की कैटेगरी में नहीं आ सकता। मंत्र विदेव मंत्रों को जानने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन सा प्रश्न करूं, कौन सा मंत्र को जानूं, क्या प्रयोग करूं, कैसे करूं आदि आदि, लेकिन मंत्र विदेव मंत्र को जानने के बाद भी नात्मविद, जब मैं नहीं जानता अपने आप को, तो मुझे लगता है कि यहां से जिज्ञासा परिभाषित होती है और बड़ा स्पष्ट होता है। और ये एक मूल शब्द है जो मुझे निरंतर अग्रसर रखते हैं। अब आप देखें कि प्रश्नों को लेकर के भी हमें हमारी एक स्थिति रहती है कि विचार करना तो आवश्यक है, विचार से प्रश्न पैदा होते हैं संदेह से, और उसमें लेकिन हमेशा विचार अपर्याप्त रहते हैं। और ये बात आप देखिए कि आपको ऋग्वेद में नास्ति सूक्त में देखने को मिलते हैं जहां पर बार बार वो प्रश्न करते हैं कि किमाव रीवह कुह कस्य शर्मन, आप जानते हैं मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार रिपीट करके मैं समय नहीं निकालना चाहता। तो वो कहते हैं आफ्टर ऑल हु नोज एंड हु कैन से व्हेंस इट ऑल केम एंड हाउ क्रिएशन हैपेंड। तो यानी कि वैदिक परंपरा बड़े स्पष्ट रूप से प्रश्नों को स्थापित करती है, ये प्रश्न परंपरा। और केवल वो ही नहीं है, फिर जब आप प्रश्न परंपरा में आते हैं जिनकी मैं चौथे कैटेगरी की बात कर रहा था कि जहां ज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं, आप उनके प्रश्नों का स्तर देखें, जहां पे प्रश्नोपनिषद में आप देखते हैं कि 6 के 6 ऋषि जा रहे हैं पिपलाद के पास और उनसे कह रहे हैं आचार्य आप हमें ज्ञान दें, तो वो कहते हैं कि पहले ज्ञान से पहले तुम तपस्या करो, इतने वर्ष तपस्या करो और फिर उसके बाद मेरे पास आना। और जब वो आते हैं तो उनके प्रश्न देखिए क्या है, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। आप देखें कि ये सारे के सारे प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा ये सारी बात कि ये जो प्रश्न है कितने व्यापक हैं और कितने सूक्ष्म हैं। प्रश्नों के अंदर और सब कैटेगरीज हैं। आप ये देखिए कि अगर द सुप्रीमेसी ऑफ प्राण के बारे में अगर वो बात करते हैं, व्हाट डीटीज पावर्स सपोर्ट द बॉडी,
विच अमंग देम आर मैनिफेस्टेड इन इट, विच इज चीफ अमंग देम, तो सब कैटेगरीज कितनी सारी हो जाती हैं आप ये बाकियों में भी देख सकते हैं। अब एक जो और प्रश्न जो समाज के स्तर पे मुझे हमेशा आंदोलित करता रहा है, और मैं इसका बहुत अद्भुत, मतलब मैं शब्द नहीं मिलते ऐसे संस्कृत के लोगों के प्रति जिन्होंने इस सारी दृष्टि को विकसित जिन्होंने किया। सत्यनारायण की कथा, आप अगर बहुत अति बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो आप कह सकते हैं अरे क्या रखा है, ये तो कथा कहानियां हैं। लेकिन आप ये देखें यहाँ पे नारद जो हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न लोकों में घूमते हुए जब वो गए तो उन्होंने क्या पूछा कि नारद ये पूछ रहे हैं, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि तद कथम शमे नाथ लघु पायन तद्वत, कि ये सारे जो मनुष्य हैं ये अपने क्लेशों से समन्वित हैं, दुखी हो रहे हैं, भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न हुए, अपने कर्मों पाप कर्मों से ही पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन इनके शांति का उपाय क्या है? अनकंडीशनल, ना आपको इसमें जाति मिलेगी जो आजकल पढ़ाया जाता है, ना आपको इसमें कोई स्त्री विरोधी बात मिलेगी, हालांकि ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जो कि अति बुद्धिजीवी होने का दावा करते हो, लेकिन तो वो क्या चाह रहे हैं? सारी मनुष्यता का हित चाह रहे हैं, और वो भी कैसे? लघु पायन, लघु उपाय के रूप में। और फिर आगे तो आप जानते ही हैं कि यहाँ जब हम गीता के ऊपर आते हैं तो कितने सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और कितने सुंदर प्रश्न हैं, लेकिन मुझे संदेह होता है कि कृष्ण उनका उत्तर सीधे सीधे नहीं दे रहे। कृष्ण अर्जुन को बार बार प्रश्न, अर्जुन के प्रश्नों का एक तरह से संस्कार करते जा रहे हैं और उसका प्रश्न के डायमेंशंस खोलते जा रहे हैं, जिससे कि उस अर्जुन जो है वो बोध के स्तर पे अग्रसर होता है। अब कुछ बस मैं दो एक स्लाइड्स और दिखा करके आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, हम हाउस ओपन कर रहे हैं चर्चा के लिए, एक दो बातें और मैं आपसे साझा कर लूँ। अब वेस्ट की ओर जब आप देखते हैं तो आपको वहां पर जो फंडामेंटल क्वेश्चंस मिलते हैं वो व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, ट्रूथ, मीनिंग ऑफ लाइफ, आप देखें आपको अंतर दिखाई देगा कि वहां वो क्यों विकसित हुआ और हमारे यहाँ पे ये प्रश्न। आप कभी भी प्रश्न करते हैं कि भी मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पर्पस के बारे में मैंने तो कभी किसी पुराण में नहीं पढ़ा, मैंने तो कभी वेद में नहीं देखा, उपनिषद में नहीं देखा। हाँ, आत्म तत्व को जानना वो चाहते हैं और बहुत सारी बातें हैं। मोरालिटी का प्रश्न मैंने नहीं देखा, धर्म का प्रश्न है, लेकिन मोरालिटी वहां कहाँ होती है? देन यू फॉलो सम लीडर, देन यू फॉलो सम कमांडमेंट्स, और यू फॉलो सम काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से कमांडमेंट्स एंड डिसिप्लिन, यू फॉलो सम डिसिप्लिन आल्सो। तो मोरालिटी के सवाल वहां पैदा होते हैं, धर्म का सवाल वहां भी नहीं पैदा होता है। और इसी तरह जस्टिस, फ्रीडम, कॉन्शियसनेस और ये सारे प्रश्न हैं जिसकी सूची मैं आप लोगों के साथ जल्दी साझी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट के इन प्रश्नों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, और ये ही प्रश्न जो हैं वो आगे चल के अलग अलग तरीकों से विकसित होते रहे हैं और विस्तार होता रहा। और समझने के लिए आप दो बातें देख सकते हैं और इनकी नेचर के ऊपर आप लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ साइंस हैं वो कौन से हैं आज की दृष्टि से, और सम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो कौन से हैं। तो साइंस के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस मुझे लगता है वो है नेचर ऑफ रियलिटी, व्हेन डिड द यूनिवर्स बिगिन, व्हाट इज लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डिड दे इवॉल्व, और व्हाट आर द लॉज ऑफ नेचर, कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, और हाउ डू वी नो दैट व्हाट वी नो, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, ये सारे के सारे जो हैं आपको विज्ञान की परंपरा में देखने को मिलते हैं, या विज्ञान आज तक जो विकसित होकर आया है उसके मूलभूत प्रश्न आपको ये देखने को मिलेंगे, हालांकि टेक्नोलॉजी के भी इसमें हम एडअप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी के जो आप प्रश्न देखेंगे वो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस सबसे मुख्य प्रश्न मुझे लगता है, और ये जिसकी अभी बात कर रहे थे, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर हायर पावर और डिवाइन प्रेजेंस, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, हाउ डू आई अचीव इनर पीस, ये बड़ा जरूरी प्रश्न है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ, हाउ डू आई कनेक्ट विद अदर्स स्पिरिचुअली,
एंड व्हाट इज लव, हाउ डू आई ओवरकम सफरिंग, व्हाट रोल डज फेथ प्ले इन माय लाइफ, ये इस तरह के प्रश्न हैं। ये कुछ एक प्रश्न है जो मुझे लगा कि ये हमें चर्चा में लाने चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। बाकी आगे की चर्चा आप लोग शुरू करेंगे, और ये है, लेकिन मैं इस स्लाइड को अभी छोड़ रहा हूँ कि किसी भी प्रश्न को या जिज्ञासा को परिभाषित करने के लिए उसके फॉर्म क्या होगी, उसका एसेंस क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी, जो जिसको हम सेंसिबल क्वेश्चन कह सकते हैं। नहीं तो प्रश्न तो हर वक्त ही घर में भी होते हैं कि भाई अब आप खाना खा लोगे या आप सो जाओगे, आप उठ जाओ, ये सारे प्रश्न चलते रहते हैं, या किसी ने किसी की क्या निंदा कर दी, क्या स्तुति कर दी, उसमें चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5-7 चीजें हैं कि सेंसिबल क्वेश्चन कौन सा होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है ना, क्लैरिटी, रेलेवेंस, स्पेसिफिसिटी, और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये हो सकते हैं। एसेंस ऑफ सेंसिबल क्वेश्चंस और नेचर ऑफ सेंसिबल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिनमें डायलॉग की संभावना हो, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाले हों और रिसर्च और इंक्वायरी को प्रमोट करने वाले हों, वो सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं फिर बाद में लूंगा, ये कुछ एक स्लाइड्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये मेरा दृष्टिकोण था जो मुझे समझ में आया, और मैं अब आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सारे विषय के ऊपर आप लोग अपनी बात हमारे साथ साझा करें, हमारा ज्ञान वर्धन करें, हमारी दृष्टि का विकास करें, और यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो आप में से जो भी अपनी बात आरंभ करना चाहे तो उसका स्वागत है, और बिना किसी संकोच के, क्योंकि यहाँ कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है। तो कृपया ये मत सोचिएगा कि पहले वो बोले तो फिर मैं कहूँगा या कुछ और कह ले, जैसे जो मन में आता है आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हमारे साथ बीच में आचार्य पद्म मुनि जी महाराज, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनकी भी हम बात सुनेंगे। उनको सादर मैंने आमंत्रित किया है कि जैनों में प्रश्न मीमांसा क्या रही है, उनका प्रश्न का रूप क्या रहा है, उस पर वो बात हमारे साथ करेंगे। और हमारे साथ तब तक अविनाश जी, डॉक्टर अविनाश जी हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज के वो विद्वान हैं और बौद्ध फिलोसफी के। तो मैं उनसे ही निवेदन करता हूँ कि अगर वो अपनी बात शुरू करें तो, और बात बहुत संक्षेप में रखिएगा ताकि सभी को मौका भी मिले और दोबारा भी हम अपनी बात को कह सकें और करेक्ट कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें, उसका संस्कार कर सकें। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी। सबों का समवेत अभिनंदन और स्वागत। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि प्रश्न का स्वरूप क्या होना चाहिए और भारतवर्ष में प्रश्न का स्वरूप क्या है, एक संक्षिप्त व्याख्या जो आपने प्रस्तुत किया है उसके आलोक में, मैं बौद्ध दर्शन के आलोक में इन प्रश्नों की बात में आरंभ करूं। बौद्ध दर्शन में तो देख रहे हैं कि जहां बुद्ध जाते हैं वहां पर वार्तालाप होता है और वहां पर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और उन्हीं उत्तरों से उनका समाधान सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि बुद्ध ने कुछ प्रश्नों को का उत्तर नहीं दिया था, उन्हें अव्याकत प्रश्न कहते हैं, और वे अव्याकत प्रश्न 10 प्रकार के हैं, जो इस तथ्य के संकेतक हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। पहला प्रश्न है संजय वैली पुट्ठ का, वो जैन आचार्य थे, माने जैन थे, और उन्होंने जिज्ञासा बस 4-5 प्रश्न उनसे पूछा था। पहला प्रश्न पूछा, होती तथा गतो परम मरणा, क्योंकि मरणों के बाद बुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। न होती तथा गतो परम मरणा, क्या बुद्ध मरने के बाद नहीं होते हैं। होती च न होती तथा गतो परम मरणा, और इस प्रकार उन्होंने 4 प्रश्न के प्रश्न पूछे और बुद्ध उस पर मौन रह गए। जब मौन रह गए तो संजय वैली पुट्ठ ने कहा कि इसका अर्थ है कि आप इसका, माने इसका उत्तर आप नहीं जानते। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, कुछ कहा नहीं, वहां पर एक दीपक जल रहा था और उसे फूंक मार करके बुझा दिया। और तब तो वही प्रश्न उन्होंने कहा कि क्या जो दीपक की लौ थी वह पूरब गई या पश्चिम गई, उत्तर गया या दक्षिण गया, आसमान में गया या पाताल में चला गया। संजय वैलीपुट्ठ ने कहा कि यह प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता है। उसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि आपका यह प्रश्न उत्तर देने योग्य ही नहीं है,
क्योंकि इस प्रकार के तत्वमीमांसीय प्रश्न हम इंटरटेन नहीं करते। अब दूसरे और इस प्रकार 10 प्रश्न थे, उसे 10 अव्याकृत प्रश्नों की संज्ञा दी गई। लेकिन यह भी एक आश्चर्य है कि बुद्ध का पूरा जीवन प्रश्नोत्तर में ही बीता। अब प्रश्न उठ खड़ा होता है कि वो किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और संजय वेलिपुट्ठ के प्रश्न के उत्तर देते हुए के क्रम में उन्होंने कहा कि अगर किसी को वाण लग गया हो, रक्त स्राव हो रहा हो, और उसके जो वैद्य उसकी चिकित्सा करने जा रहे हो वाण निकालने के लिए, और वह बोलता है कि आप रुकें, पहले ये बता दे कि ब्रह्म ये वाण मुझे पूरब से लगा या पश्चिम से लगा, वाण मारने वाला ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य और शूद्र था, और अगर इन प्रश्नों के उत्तर हम देने लगेंगे तो कैसा होगा, तो बुद्ध ने कहा कि तब तक उसका प्राणांत हो जाएगा। हमारा पूरा विश्व अभी दुख झेल रहा है, उसकी एकमात्र समस्या है दुख निवारण की, और ये दुख हम मूलतः अज्ञान के कारण झेल रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने एक बड़ा सरल मार्ग निकाला कि किस प्रकार वो प्रश्नों का उत्तर देते थे। अब एक दूसरी कहानी मैं सुनाता हूं। एक महिला के पुत्र का निधन हो गया और वह रोते रोते बुद्ध के पास पहुंची और कहा कि तुम तो बुद्ध हो, मेरे पुत्र को जो है जागृत मरे जीवित कर दो। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मुट्ठी चावल उस घर से लाना है जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। प्रातः से लेकर वह शाम तक घूमती रही और तब उसे ज्ञात हुआ कि मृत्यु एक आवश्यक तत्व है और इसे हटाया नहीं जा सकता है। तो बुद्ध के प्रश्न का और उत्तर देने का जो कार्य था वो इस प्रकार था कि उसके अंतर का ज्ञान स्वतः जो है आलोकित ज्ञान से वह आलोकित हो जाए और वह उन समस्त प्रकार के समाधानों को वह स्वतः पूर्ति कर सके। और आप देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है कि आप मिलिंद प्रश्न लेंगे, राजा मिलिंद आए थे मिलने के लिए नागसेन से, और उन्होंने नागसेन को कहा, नागसेन से पूछा कि आप जो है आप ही नागसेन हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही नागसेन हूँ। तो पुनः उन्होंने पूछा कि आप किस चीज से आए हैं, नहीं तो उस मिलिंद ने पूछा, देख लो कोई है कि नहीं, तो मिलिंद ने पूछा कि आपका नाम नागसेन है, क्या यह हाथ नागसेन है, क्या आपका पैर नागसेन है, क्या कि आपकी चक्षु नागसेन है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बहुत दूर से आए हैं, किस चीज से आए। तो उन्होंने बताया कि मैं रथ से आया हूँ। कहा कि मैं तो ग्रामीण हूँ, मैंने रथ देखा नहीं है, आप मुझे बता दें कि रथ कैसा होता है। उन्होंने कहा यही रथ है। उन्होंने दंड को अलग किया और कहा कि क्या ये रथ है, बैलों घोड़ों को अलग किया, कहा कि क्या ये रथ है, उसी प्रकार उसके चक्कों को कहा कि क्या ये रथ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब मिल करके बनते हैं। और तब उन्होंने कहा यथा ही अंग संभारा चक्को होती रथो इति, तो जिस प्रकार इन समस्त अंगों को एक साथ समाहित करने से रथ का स्वरूप बनता है, उसी प्रकार इन पंच स्कंध जब मूर्त रूप में आ जाते हैं और तब इसे नागसेन का नाम दिया गया। और इस प्रकार उनके प्रश्न और उत्तर की जितने प्रक्रिया थी वह वस्तुतः मनुष्य के व्यवहारिक समस्या को आलोकित करने की दृष्टि से था, दुख निवारण की दृष्टि से था, और इस प्रकार बुद्ध के प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया यही थी। वो तत्वमीमांसीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, वे उस ज्ञानमीमांसीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उन प्रश्नों का उत्तर देते थे और उनके द्वारा वो अपने प्रश्नकर्ता के मुंह से ये सारी बात कहलवा देते थे, क्योंकि तब उनके मन में यह आलोकित होता था कि सत्य है क्या और सत्य का अनुसरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, और इसका प्रयोग जिज्ञासा के लिए नहीं अपितु जीवन के दुखों के निवारण की प्रक्रिया में किस प्रकार ये संलग्न हो सकते हैं, इस प्रकार उनकी प्रश्न पूछने की परंपरा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर और बहुत आनंद आया सचमुच।
आपने जितने सहज रूप में ये प्रश्न बुद्धिस्ट दृष्टि से प्रश्नों को रखा है, और ये वाकई बुद्ध की कला थी और सहजता थी कि जिस तरह से प्रश्न के भीतर एक प्रश्न को उन्होंने उत्पन्न किया और उससे ज्ञान उपलब्ध करा दिया। वाकई ये बहुत सुंदर एक आपने तीनों उदाहरण दिए हैं, मिलिंद पन्ह का भी और वो मृत्यु की कथा वाला भी। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा कि आचार्य डॉक्टर पद्म मुनि जी महाराज जी को कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जैन धर्म और दर्शन की दृष्टि से प्रश्न परंपरा क्या रही है और प्रश्न मूलभूत प्रश्न कौन से रहे और किस तरह से उनका विकास हुआ, इस पे वो संक्षिप्त टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। इस मंच पर विराजमान सबके प्रति अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। जिस प्रकार का विषय रखा गया है जिज्ञासा या प्रश्नों के संदर्भ में, जैन दृष्टिकोण या जैन आगम पद्धति, जैन वाचना परंपरा, उसके भीतर में जितना भी अभी तक मैं देख पाया हूं उसके अंदर ये बात क्लियर समझ में आती है, जीवन की जो शुरुआत होती है प्रारंभ में जो प्रश्न हमारे भीतर से निकलते हैं अथवा जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं, वो होती हैं हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले इनसे संबंधित प्रश्न व्यक्ति के मन में आते हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही हम लोग अध्यात्म की ओर सोच पाते हैं। यूं कहें कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात ही अध्यात्म के प्रति व्यक्ति का ख्याल विकसित हो पाता है या उसकी बुद्धि का विकास हो पाता है। और जैनिज्म के अंदर यही से मैं कहना चाहूंगा कि जो जैनिज्म के अंदर प्रश्नों की शुरुआत हुई, ऐसे व्यक्ति के प्रश्न हमारे को दिखाई देते हैं जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद अपने जीवन का और अधिक विकास करने के लिए वो किसी जिज्ञासा से भरा हुआ है, किसी प्रश्न से उसका हृदय आंदोलित हो रहा है और उसको ऐसे व्यक्ति से उस प्रश्न को पूछने का प्रयास करता है जहां से उसे समाधान प्राप्त होने का एक भरोसा है। और इस परंपरा की शुरुआत मैं समझता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रथम प्रवचन के साथ ही किया है। उन्होंने जब अपना पहला प्रवचन फरमाया तब सीधा सीधा एक प्रश्न की ही बात करी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि मेरी आत्मा औपपातिक है अथवा औपपातिक नहीं। ये आचार्य सूत्र के प्रथम वचन है। औपपातिक पातिक का अर्थ दिया गया है जो पुनः जन्म लेने वाले, अर्थात बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा या ये ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा का पुनः जन्म होगा अथवा नहीं होगा, और साथ में ये भी ज्ञान नहीं होता कि मेरा आगमन इस दुनिया में कहां से हुआ है, अर्थात मेरा आगमन का जो स्रोत है, मेरे जीवन का जो स्रोत है वो कहां से है, इसका भी मुझे पता नहीं होता। और साथ ही इसका एक और सवाल उन्होंने रखा कि इसका भी पता नहीं होता है कि मुझे इस जीवन के पश्चात जाना कहां है। तो भगवान महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो उनके प्रथम वचन इस जिज्ञासा से भरे हुए प्रकट होते हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो साधना का पथ अपनाया इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में, उस पथ को उन्होंने स्वीकार किया होगा और उसका समाधान प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने जनमानस को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ये प्रश्न हुए। उसके बाद भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हुए जिनको इंद्रभूति गौतम गणधर कहकर के पुकारा गया। इन्होंने छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात निसंकोच तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समक्ष रखा, उनसे पूछा और उनके प्रश्न उत्तर का ही एक प्रकार से आगम
का निष्पादन होता चला गया। आगमों के अंदर जो अंग सूत्र है उनमें से पंचम अंग सूत्र का नाम है विआह पन्नति, जिसे आज के मोक्षुख के कारण चलती भाषा में भगवती सूत्र कहा जाता है। इस भगवती सूत्र के अंदर अकेले गौतम स्वामी के द्वारा पूछे हुए और कुछ कुछ प्रश्न अन्य श्रावक श्राविकाओं के द्वारा भी पूछे हुए उनको संकलित करके 36,000 प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया और ये सबसे बड़ा वर्तमान में जैन आगम आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार भगवान महावीर का जो अंतिम उपदेश हुआ है उसको उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययन के अंदर गुंफित एक महत्वपूर्ण आगम है जिसे जैन गीता होने का गौरव भी प्राप्त है। इस सूत्र के 29वें अध्याय में पुनः 72 प्रश्न अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान का एक प्रकार से अंतिम समय चल रहा था तो उस समय वो प्रश्न पूछे गए, जैसे कि सज्जायण मन्ते जीवे किम जनयति, अर्थात स्वाध्याय करने से जीव के भीतर क्या प्रकट होता है। यहाँ पर बहुत सारे इसका अर्थ करने वाले लोग ये अर्थ कर देते हैं कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है। हकीकत में ये अर्थ उचित नहीं है। यहाँ पर शब्द है सज्जायण मन्ते जीवे किम जनयति, और जनयति जो शब्द है वो उत्पन्न होने के अर्थ में, अर्थात जन्म होने के अर्थ में है। तो सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा गया है कि हे प्रभु ये बताएं कि स्वाध्याय करने से या स्वाध्याय के द्वारा हमारे भीतर में क्या प्रकट होता है। इसी प्रकार के प्रश्न तप के लिए पूछे गए कि तप करने से क्या प्रकट होता है, ध्यान करने से क्या प्रकट होता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और वो सभी के सभी प्रश्न इन चीजों पर आधारित हैं जो धर्म क्रिया के अंतर्गत जिनको स्वीकार किया जाता है, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो भक्ति हो, धार्मिक गतिविधियों के द्वारा भी किस प्रकार का परिणाम मेरे जीवन में प्रकट होना चाहिए, उस प्रकार की जिज्ञासाएं वहां पर रखी गई और उनका समाधान प्रभु ने दिया। उन समाधानों को वर्तमान में हम पढ़ते हैं तो ये प्रश्न चिन्ह भी कई बार खड़ा होता है कि जो लोग धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं क्या सचमुच में वैसा परिणाम उनके जीवन में घटित हो रहा है, ये एक शोध का विषय बनता है। जी ठीक है जी। एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे एक प्रश्न की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करूं, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित ये प्रश्न है। एक माता है उनका नाम थावच्चा है और उनके पुत्र को थावच्चा के पुत्र मतलब उनके नाम से ही जाना गया माता के नाम से, और थावच्चा पुत्र जो था वो भगवान अरिष्टनेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे उनके वचनों से प्रभावित होकर के सन्यासी बनना चाहता था। माता को चिंता हुई और माता भगवान श्री कृष्ण के पास गई, वो राजा थे, और अपनी समस्या रखे कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानता लेकिन आप उसको समझा दें। तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने पास बुलाते हैं और बात होती है, वो समझाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही कि पुत्र मैं आपके सिर के ऊपर से गुजरने वाली हवा को तो नहीं रोक सकता, उसके अतिरिक्त हर प्रकार की व्यवस्था आपके लिए कर सकता हूं लेकिन आप मेरी बात माने साधु बनने का ख्याल छोड़ दो। तब थावत्सा पुत्र ने केवल एक प्रश्न श्री कृष्ण वासुदेव से पूछा कि मुझे आप ये बताएं क्या आप मेरी ओर आती हुई मृत्यु को रोकने में समर्थ हैं और मेरे शरीर को प्रभावित करने वाली जो जरा है बुढ़ापा क्या उसको रोकने में समर्थ है, अगर इन दोनों चीजों को आप रोक देते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता। तो ये प्रश्न ऐसा है जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी निरुत्तर कर दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न जैन आगमों में प्रचुर परिमाण में भरे हुए हैं, सर्वत्र भरे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासा को ही पुष्ट करते हैं
और वो जिज्ञासा तब प्रारंभ होती है जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और उसके बाद अपने जीवन को और ज्यादा विकसित करने के लिए हम लोग सोच पाते हैं, उस समय जो जिज्ञासा प्रकट होती है लगभग उसी संदर्भ के सारे प्रश्न हमारे को मिलते हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम उनका वर्गीकरण करें और उसको और ज्यादा शोध करके सबके समक्ष उनको प्रस्तुत करें, ऐसा पर्याप्त अवकाश मैं समझता हूं कि जैन आगमों के संदर्भ में व्यापक रूप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बात रखना चाहूंगा। तो डॉक्टर आशुतोष जी, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका स्वभाव है, आप प्रेम से बुलाते हैं तो मना करना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में पर्युषण पर्व हमारे चल रहे हैं, उसकी भी बधाई देता हूं और आज संयोग से शिक्षक दिवस का भी पावन प्रसंग है तो उसकी भी बधाई आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और वस्तुतः आपने बहुत सटीक और बहुत उपयोगी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराई हैं। इनके विषय में हमें जानकारी नहीं थी, बल्कि आपकी बात सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार जरूर आया कि संभव हो सके तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन क्वेश्चंस ऐसा कुछ बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आपने गुरुकुल बनाने का इतना बड़ा उद्यम तो किया है कम से कम अगर यह संभव हो कि जैन प्रश्नों का ही कम से कम, बौद्ध प्रश्नों का और उपनिषदिक प्रश्नों और बाकी सबका भी अगर इंसाइक्लोपीडिया को बन सके, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर बड़ा भारी उपकार हो सकता है। लेकिन आपने जो बातें बताई वो बड़ी बड़ी धन्यवाद है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। लेकिन आप हमारे साथ रुके रहे हैं क्योंकि अभी हमें कुछ वक्ताओं से और भी जानना है और क्योंकि फिर आपकी टिप्पणी दोबारा चाहिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो फिजिक्स के अध्यापक हैं और भारतीय विज्ञान के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, बड़ा सही पकड़ है। तो अगर वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें तो हम बड़े उपकृत होंगे। नमस्कार सभी बुद्धजनों को, खासतौर पर आशुतोष जी को, और आज इस बड़े उत्तम दिवस की जिसको हम शिक्षक दिवस के नाम से भी जानते हैं, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये गुरु पूर्णिमा से कम भी नहीं है, सभी को बधाई एक बार। लेकिन जिस वक्त ये टॉपिक मेरे सामने आया तो मुझे दुविधा हुई कि मैं कहूँगा क्या। जो कुछ मन में थोड़ा बहुत कहना चाहता था, मुझे ये बात एडमिट करते हुए बड़ा आनंद भी अनुभव हो रहा है कि आशुतोष जी ने जैसे खजाना निकाल करके हमारे सामने खोल के रख दिया है और एक एक विधा पर सोचने की लगता है क्षमता नहीं रही है, उसके ऊपर बहुत गहरे से हमारे को विचार करने की भी जरूरत है। फिर भी एक बात तो सही है कि हमें किसी भी क्वेरी का पर्पस तो समझना ही पड़ेगा। जब हम पर्पस की बात करेंगे तो क्वेरी से या जब कहें जिज्ञासा से और प्रश्न हमारे पास उत्पन्न होते हैं वो हमें सीखने में बहुत ये मदद करते हैं। जैसे अभी हमने बहुत कुछ जाना है और इतना खजाना है कि हम एक एक प्रश्न को लेके बैठे हैं तो अद्भुत है, और कभी कभी दुख भी होता है कि हम साधारण जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, काफी हद तक हम सब इससे वंचित ही दिख रहे हैं। और ये जो क्वेरी है अल्टीमेटली हमें एक वे ऑफ थिंकिंग की तरफ ले जाएगी जो एनकरेज करेगी क्या कि हम लोग अपने नए क्वेश्चंस को जन्माएं और उसके बाद उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जैसे अभी आपने इतना कुछ इसमें दिया है निकाल के और साथ ही थोड़ा टच करने की कोशिश भी की है वेस्ट में, तो जस्ट टू शेयर फ्यू थॉट्स हियर कि मैं यदि वेस्ट में देखता हूँ तो सोक्रेटिस हमारे सामने सबसे पहले सुकरात के रूप में आते हैं वहाँ, कि उनका तो पढ़ाने का ढंग ही यही था कि दूसरे व्यक्ति में क्वेश्चनों को उत्पन्न किया जाए और उसके उनका मार्ग ही यही था कि क्वेश्चन पूछे जाए। और वो परंपरा ने ग्रीक यूनान में बहुत कुछ योगदान दिया जिसकी फाइनली हम देखते हैं सोक्रेटिस के माध्यम से उनके शिष्य जो हैं वो प्लेटो, अफलातोन भी उनका नाम रहा है, और अरिस्टोटल जिन्होंने पहले ऑर्गेनम लिखी है और लगता था कि सारे ज्ञान का भंडार वहीं डाल दिया।
फिर रहने साल तक हम ये देखते हैं कि वेस्ट में कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा है, फेथ ओरिएंटेड काम था और फेथ को मानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिज्ञासा और क्वेरी की परंपरा को तो बहुत जबरदस्त हतोत्साहित ही किया गया, डिस्करेज किया गया। लेकिन रेनेसां के बाद हम देखते हैं कि नई विचारधारा, नए क्वेश्चन उठे हैं, खासतौर पर विज्ञान का जन्म हो रहा है। और हमें इसमें बेकन का नाम सामने आता है, जिसने बहुत सारे जो जीवन के मुद्दे हैं उनको एक एक टॉपिक पर उठा के बहुत कुछ लिखा है जो आज भी कहीं ना कहीं यूजफुल है। लेकिन उसके बाद जो मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा उत्सुक और बढ़िया लगी है वो ओस्पेंस्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक टर्शियम ऑर्गानम है। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल में जब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें वहाँ एक एक परिभाषा मिलती है अस्तित्व की, कि ए इज ए, बी इज बी, ए कैन नॉट बी बी, बी कैन नॉट बी ए, एंड ए कैन नॉट बी नॉट ए। लेकिन जब मैं टर्शियम ऑर्गानम पढ़ता हूँ, जिसका प्रारंभ भी उन दो ही मूलभूत प्रश्नों से हुआ है जिन्होंने, जो आशुतोष जी ने उठाए हैं, कि मैं हूं तो मैं क्या हूं, और यदि ये चारों तरफ मेरे को जो ब्रह्मांड दिख रहा है, एनवायरनमेंट दिख रहा है, वस्तुएं दिख रही हैं, तो ये क्या है। ये दो मूलभूत प्रश्नों से वो टर्शियम ऑर्गानम जो है शुरू होती है, और अंत में वो हमें तीन चार किस्म के लॉजिक के तर्क के आधार पर नई नई चीजें देते हैं। 1912 में लिखी हुई पुस्तक का जब एंड में पढ़ता हूँ तो उसमें वो एक ऐसे तर्क प्रणाली को विकसित करते हैं जहाँ ए केवल ए ही नहीं है बल्कि ए नॉट ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। इसका रेफरेंस मैं पर्टिकुलरली इस वजह से दे रहा हूँ कि जो हम, मेरा अपना फील्ड रहा है स्टडीज का और पढ़ाने का भी, क्वांटम थ्योरी, उसके अंदर हमें ये चीजें 1925 के बाद स्वीकार करनी पड़ी कि कोई वस्तु होती भी है, नहीं भी होती है, और उसको हम आगे ले जाकर के जब देखते हैं तो वो कुछ और रूप भी ले सकती है और एक ही वक्त में बहुत सारे अनेक रूपों में वो प्रकट भी होती है। लेकिन जब तक हम उसको देखते नहीं है तब तक उसका एक वास्तविक रूप है जो हमें नजर नहीं आता। तो संभावनाओं के क्षेत्र में और या अनसर्टेनिटी के क्षेत्र में हम लोग घुसते हैं, तो वहां जाकर के मुझे भगवान महावीर का जो नव न्याय है वो सामने आता है कि किस प्रकार हम एक ही चीज को 9 अलग अलग ढंगों से भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चीजें आपस में जुड़ रही होती हैं। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि जो इंफॉर्मेशन से हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमें नॉलेज से होती हुई विजडम पर ले जाए और विजडम से होती हुई हमारे अंदर एक तर्क अतीत इंट्यूशन जो है उसको जन्माए और फाइनली हम कुछ नया योगदान दे पाए, वो कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक शिक्षा में मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मिसिंग है। क्योंकि दुख इसलिए भी हो रहा है कि जब मैं देख रहा हूँ कि इतने अद्भुत और कहीं अधिक संख्या के प्रश्न हमारे सामने हैं जो हमारी परंपरा में हमें दिए गए, लेकिन 1947 के बाद जो वो हमारे एजुकेशन का हिस्सा होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं जानबूझ के, मुझे लगता है शरारत हो सकती है, इसके पीछे मोटिव भी हो सकता है, जो डिवाइड है बिटवीन सनातन संस्कृति और मॉडर्न करिकुलम, उसके वजह से बहुत नुकसान हो गया। नुकसान ये हो गया है कि हम जो कुछ भी वेस्ट में देखते रहे हैं या वहां से सुनते रहे हैं उसी को ही सत्य मानते हैं, वही हमारे लिए बेंचमार्क के तरह काम करता है। फर्दर मोर जो मेरी एक पर्सनल पेन भी रही होगी, बचपन से हमने भी अनुभव किए हैं कि जब भी हम देखो, सारी परंपरा का जन्म हमारी प्रश्न उत्तर परंपरा से हो रहा है और हमने देखा है प्रश्नों के कितने रूप हैं। अभी जैसे बताया गया अविनाश श्रीवास्तव जी ने भी कि भगवान बुद्ध प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट ना दे करके आपको अनुभव के द्वारा देना चाहते हैं, वही हमारी ज्ञान वैचारिक परंपरा का मूल आधार है। और जबकि आज के युग में अक्सर आप स्कूल लेवल से देखें और यूनिवर्सिटी लेवल तक देखें, जिज्ञासा का समाधान तो बहुत दूर की बात है, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होने देते। ये एक बहुत पेनफुल चैप्टर रहा है जो कि इतनी अच्छी बातों के बावजूद में ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि इतना कुछ है हमारे पास और आज हम खुद क्या करके रहे हैं। मैं खुद अपने क्लास में जब भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहा करता था प्रश्न पूछिए, कई बार तो मुझे हैरानी भी हुई है कि भागे भागे बच्चे मेरे पीछे आ गए कि सर आप क्या सच में कह रहे हो क्वेश्चन पूछने चाहिए। और मैं ये विज्ञान फिजिक्स की बात कर रहा हूँ और मुझे उनको कहना पड़ता है कि बच्चों, बेटो आप बच्चे, हम आपके लिए ही हैं, हमारा पर्पज यहाँ पे आप लोगों का होना ही है, और मैं यदि प्रश्न का जवाब नहीं भी दे पाऊंगा, उत्तर नहीं भी दे पाऊंगा, तो कोई घबराने की बात नहीं, कुछ दिन बाद दे दूंगा, उससे एक नया जन्म होगा।
तो उस सेंस में मुझे खुशी रही है कि बच्चे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, दुर्भाग्य से हमने उन प्रश्नों को जन्माना बंद कर दिया। और मैं ये अपने घर से भी एक छोटे से उदाहरण देकर बात को खत्म करूंगा। एक मेरा अपना जो ग्रैंडसन है, सातवीं आठवीं में था, शायद सिक्स में था, तो वो पूछ के मुझे कहता है, दादाजी मुझे क्लास में पढ़ा है। मैंने पूछा अपने अध्यापक से कि ये जो है, हमने शुरू में जब सभ्यता शुरू हुई तो जानवरों को टेम किया है, उनको मतलब अपने गृह के अनुकूल बनाया है। ऐसे पुस्तक में लिखा था कि हमने उपज को जैसे गेहूं को भी उसके अनुकूल बनाया है। तो मैंने प्रश्न पूछा कि इसका कैसे समझूंगा, इसको हम कैसे समझे, तो मुझे ये टीचर ने हाईली डिस्करेज किया। दैट पेंड मी, क्योंकि पशुओं को अपने साथ डोमेस्टिकेशन करना समझ में इजीली आ जाता है, हमें उसकी यूटिलिटी है कंटेन करना, बट उपज की बात करना, गेहूं की बात करना बड़ी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि जंगली गेहूं की बात है। जंगली गेहूं हम आज भी नहीं पचा सकते थे, तब हमने कैसे कैसे उसको मॉडिफाई करके लेके आए हैं। लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर के यदि छठी क्लास के बच्चे को टीचर डिस्करेज करेगा तो कहाँ तक ले जाएगा। मतलब कंट्रास्ट मेरे पास सामने जानबूझ के मैं देना चाह रहा हूँ कि एक महान परंपरा जो जिज्ञासा और प्रश्नों से जन्म ले सके, और इतना ह्यूज लिटरेचर है, चाहे बुद्धिज्म देखो, चाहे जैनिज्म देखो, चाहे सनातन देखो, उपनिषद तो भरे पड़े हैं, और पुराणों में भी अक्सर ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं। बजाय हम इसको एकदम से खत्म कर दें, कितना बड़ा दुख की बात है कि काश हमें इन सब चीजों को, जैसे अभी आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया है कि हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्वेश्चंस भी इकट्ठा करें। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी अध्यापक हैं और इन सब चीजों को समझते भी हैं। फिर भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, वाकई विज्ञान की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, और ये प्रश्न की संस्कृति हम विकसित ही नहीं कर पाए, और ये सचमुच मुझे भी बड़ी पीड़ा देता रहा है। और मैं प्रयास करता रहा हूँ कि कम से कम पहला एक हफ्ता छात्रों के साथ केवल प्रश्न के ऊपर ही किया जाए, कितने ही इरेलेवेंट हों, कितने ही वो अनुपयोगी हों, असंगत हों, लेकिन उनको प्रश्न करना सिखाया जाए। सिखाना पड़ता है, संस्कार करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं एक प्रश्न पैदा होता है, और फिर तब जाके वो चेतना के उतरने की संभावना बनती है। तो ये बहुत आवश्यक है, और मैं आपकी पीड़ा तो बिल्कुल मान करता हूँ, ये आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है हमारी एजुकेशन की। तो आपकी बात को मैं अभी दोबारा लूंगा, लेकिन इसी मध्य हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, और उसके बाद हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर इंदु जी, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी, और फिर उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी भी, और बाकी डॉक्टर मोहन जी भी हमारे साथ हैं। जी रविंद्र जी, हाथ खड़ा किया था कि मेरे को आप सबसे बाद में रख लीजिएगा, पहले मैं अन्य मित्रों को सुनना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मैडम इंदु जी, मैडम इंदु, सर नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ सर, ये जो प्रश्न आपने उठाया है आज कि प्रश्न की परंपरा और परिभाषा, वैदिक युग में तो ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है, इसलिए अष्टावक्र का सिद्धांत जो उसका तर्क है वो बहुत ज्यादा बहुत प्रचलित है। इसके अलावा उस समय वो शलाका परीक्षण और परिषदों का निर्माण होता था, बाकायदा विद्वान बैठते थे और किसी एक या तो उसके संपूर्ण ज्ञान को ही वो चेक करते थे कि जहाँ से शलाका से जो प्रश्न निकल गया वो आपको बताना है, और ये एक बहुत खुले मंच पे होता था। आज भी इसकी कई कई परंपराएं कई संस्थानों में मैंने देखी है वर्तमान के समय में, तो उसमें वो अपनी जो पहले जैसे प्राचीन शास्त्र तो उठाते नहीं, जो पुस्तक है उसमें से वो ले लिया करते हैं, और परिषद भी जो आप शिक्षक हैं तो शिक्षक ही बैठेंगे, विद्वान ही बैठेंगे, वहां पर ही उसका परीक्षण होता है। ये एक परंपरा अभी भी प्राचीन लोगों ने चला रखी है, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा अष्टावक्र के जो तर्क जो उसमें दिखाए गए हैं, और उसका तो इतना कठिन क्लिष्ट होता था कि अंत में उसको अपने प्राण देने पड़ते थे जो उसमें असफल हो जाता था, तो ये तो एक स्थिति हो गई जो नहीं, ये तो अच्छा हुआ बच हुई। और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, यागवल्क की और वो मैत्रेयी और उसकी जो परिषद है उनका भी वर्णन आता है, और तर्क संग्रह हमारे सामने है, हेतु अहेतु धूम, इनका जो इतना लंबा चिंतन चलता है कि कई बार तो साधारण मनुष्य के
बीच में समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं, है ना। तो इसमें तो मेरे तो ये है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, उसके बाद ये नए शास्त्र पैदा हुए हैं जिसमें है कि प्रयोगवाद है, है ना, और आदर्शवाद है और तर्कवाद है, ये भी चले जो पाश्चात्य से हमें मिले हैं, उनमें बाकायदे एक ट्रेनर की तरह व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है परिस्थिति के अनुसार, उसमें भाव और चिंतन का स्थान नहीं होता है। और आज जो वैदिक साहित्य है, वैदिक चिंतन है, उसमें आत्मा का चिंतन प्रमुख रहता है, भौतिक कम रहता है। मैंने ये जो सीखा देखा पढ़ा उसमें ये चीज समझ में आई है। और चिंतन व्यवहारिक रूप से जो भाव से पैदा हो गया ना, आपके चिंतन से जो भाव पैदा हो, जिज्ञासा जो पूछा गया और जो आपकी आत्मा को संतुष्ट दे दे और आपका विकास करे उसके बाद, वो प्रश्न से सबसे उत्तम होते हैं। और महावीर स्वामी और बौद्ध उन्होंने जो इनमें तो प्रश्न की परंपरा बहुत ज्यादा रही, क्या ज्यादा लगता है मुझे, वो हर बात पे ही प्रश्न से आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी आचार्य जी ने बताया मैं उनको भी नमन करती हूँ। और यह सीख में जितना सा एक जरा सा ज्ञान था, और सभी को शिक्षक दिवस की सादर शुभकामना और प्रणाम, बस मेरे जितनी भी जानकारी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा। इसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी। नमस्कार सभी को जी। प्रश्न और अनुप्रश्न वेद के अंग के रूप में भी कहे गए हैं, और उसके अतिरिक्त छंदोग्य उपनिषद में जहाँ नारद जी ने सनककादि के पास गए थे और कहा कि मैंने वाको वाक्य पढ़ा है, वाको वाक्य भी प्रश्न और उत्तर का क्रम है। ऋग्वेद में उसके विश्वकर्मा सूक्त में दो प्रश्न है जिनका उत्तर तैतृय ब्राह्मण या तैतृय संहिता में दिया गया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन सा वृक्ष है, और उसका कौन सा वृक्ष था जिसे काट करके विश्व बना, विश्व का आधार क्या है। तो उसमें प्रश्न अपने आप से किया गया है, जिसको मनीषिणो मनसा पृच्छते दुः कहा है, मनुष्यों ने अपने मन में ही प्रश्न किया। और तैतृय संहिता में उसका उत्तर है कि उसका मन में ही उनको उत्तर मिला। तो जिज्ञासा यदि अपने मन में शांत हो जाती है या अपने चेष्टा से हम उसको शांत कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर सके तब गुरु के पास जाना पड़ता है, यही उसका तात्पर्य है जी। तो जैसे किंगस्विद वनंग का उसा वृक्ष आशा यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा पृच्छते दु तत् यदद्यतिष्ठत भुवनानि धारयन्। यह ऋग्वेद में प्रश्न है, ऋग्वेद विश्वकर्मा सूक्त 10वें मंडल का 81वां सूक्त का है। तो उसका उत्तर तैतृय संहिता में है, ब्रह्मा वनंग ब्रह्म स वृक्ष आसीत यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा विब्रवीमि। उन्होंने मन में ही उसका उत्तर दिया, मनीषिणो मनसा विब्रवीमि। वो ये प्रश्न का है तात्पर्य है कि मन में ही प्रश्न होता है और मन में ही उसका उत्तर मिलता है तो कुछ प्रयत्न के बाद, नहीं तो हम गुरु के पास जाकर के प्रश्न पूछते हैं। और वेद का एक अंग था प्रश्न और अनुप्रश्न, तो एक प्रश्न के उत्तर से पूरा, एक प्रश्न से पूरा उत्तर नहीं मिला तो हमने दोबारा प्रश्न पूछा, पूरक प्रश्न जिसको जैसे असेंबली में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, उस तरह का अनुप्रश्न है। और एक वाको वाक्य है कि गुरु शिष्य के बीच परस्पर वार्तालाप के रूप में और ज्ञान बताया जाए, तो वाको वाक्य है। जैन ग्रंथों के बारे में क्या कि जैन ग्रंथ वेद को पूर्ण करते हैं, वैदिक ज्ञान को। जैसे मेरा सिर्फ माप योग के आधार पर अध्ययन है, वो जैन ज्योतिष में जो लोगों के माप की इकाइयां दी गई हैं अनुयोग द्वार सूत्र या त्रैलोक के पन्नति में, तो उनका प्रयोग पुराणों में हुआ है, उनका प्रयोग जैन शास्त्रों में नहीं हुआ है। जैसे सूर्य के व्यास को आत्मा योजन कहा गया है, उससे 500 गुना बड़े को प्रमाण योजन कहा गया, तो उतने बड़े माप का आकाश में ही प्रयोग हो सकता है, पृथ्वी पर प्रयोग नहीं होता, इसलिए जैन शास्त्रों में उनका प्रयोग केवल पुराणों में है और उसका अर्थ यजुर्वेद में दिया हुआ है। तो यजुर्वेद पुराण और जैन ज्योतिष इन तीनों को मिला करके देखने पर ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है। धन्यवाद।
बहुत सुंदर बात है ये। तो एक तो ये शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया था अनुप्रश्न, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि नया एक शब्द चलो मेरे ध्यान में आया। और ये जो आपने बिल्कुल अद्भुत बात कही है कि जैन और जैन ज्योतिष शास्त्र और इधर का वैदिक ज्योतिष शास्त्र, इनके आपस के संबंधों को जो आपने सूत्र दिया है, मुझे लगता है इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे और ये बड़ा एक रुचिकर विषय है, इसको जरूर निकट भविष्य में इसको टेकअप करेंगे। धन्यवाद। तो अब इसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी। सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं। मैं केवल इतनी बात रखना चाहता हूं कि जो सारे ज्ञान का स्रोत है इस पृथ्वी पर और जो सृष्टि के प्रथम से है वो वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान का आधार जो है वो ईश्वर है। सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जो सारे वेद हैं वो सृष्टि के प्रथम में ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को सुख पूर्वक जीने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रदान किए, उसी का अध्ययन कर, स्वाध्याय कर, तप कर, हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो दर्शन ग्रंथ बनाए, उपनिषद बनाए और ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह बनाए, उन सब में उस ज्ञान को और अधिक सरलीकृत करके लोगों के सामने रखा। और वेद ज्ञान के अंदर तिनके से लेकर ब्रह्मांड तक का समस्त ज्ञान है। मेरे ज्ञान में आज तक ऐसा कोई नया सत्य ज्ञान किसी के द्वारा भी नहीं बताया गया जो पूर्व से ही वेदों के अंदर ना हो। अब मनुष्य और पशु में एक अंतर है, पशु के अंदर जितना भी ज्ञान होता है वो स्वाभाविक ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्यों के अंदर स्वाभाविक ज्ञान बहुत ही कम होता है, सारा ज्ञान निमित्तिक ज्ञान होता है। क्योंकि हम लोग अगर आज हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमने हिंदी सीखी है, इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य की एक ये स्वभाव होता है कि वो अपने आप को जाने, इस ब्रह्मांड को जाने और यहां क्यों आया है और कब जाएगा और कहां जाएगा इसके संबंध में जाने। तो इसके संबंध में जो हमारा वेद ज्ञान है, जो हमारे चारों वेद हैं, वो बड़े विस्तार से हमें बताते हैं और उन ऋषियों के माध्यम से बताते हैं जिन ऋषियों ने उस वेद ज्ञान के मंत्रों का साक्षात्कार किया। यानी ऋषि मंत्रों के बनाने वाले नहीं है, मंत्र तो ईश्वर ने ही बनाए हैं। तो जो साक्षात्कार किया उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि किसी के अंदर कोई भी ज्ञान हो उसका आधार तो वेद ज्ञान है और वो वेद ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। इसको मानकर जब हम आगे चलेंगे तो हम सत्य स्थिति को जान पाएंगे और सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का उत्तर वेद ज्ञान के अंदर है। ऐसा उपनिषदों के माध्यम से, दर्शन शास्त्रों के माध्यम से जो ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार के बनाए हैं वो हम तक प्राप्त हुए हैं। मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि प्रश्न करना मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो उसको जो भी ज्ञान मिलता है वो निमित्त ज्ञान मिलता है और सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सनातन धर्म में है, ऐसा मैं अब तक समझ पाया हूँ। मुझे समय दिया इसका बहुत आभार। नहीं नहीं, समय तो आपने हमें दिया डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहा करें, आप लोगों की कृपा है, आप लोग अपना ज्ञान और अपना समय दोनों देते हैं। आपने बड़े अर्जन, बड़ी मेहनत से किया हुआ ये ज्ञान है तो आप साझा करते हैं, उसके लिए आपका आभार। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वेद ज्ञान का ही दूसरा नाम है तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी एक संदेह जरूर रहता है कि मनुष्य के प्रश्न को कैसे वेद देखता है, मनुष्य के प्रश्नों को कैसे देखता है। लेकिन इस बात को हम बाद में लेंगे, पहले एक बार एक राउंड हम पूरा कर लें। तो लेकिन इस
प्रश्न का उत्तर मैं जरूर चाहूंगा जी, जी। इसके अतिरिक्त मेरा वैसे निवेदन रहेगा डॉक्टर प्रोफेसर मोहन मट्टू जी से, अगर वो इस विषय पे अपनी बात रखें और विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य की दृष्टि से अगर वो रखें बात, तो बहुत ही उपकार होगा उनका। और उसके बाद डॉक्टर देवदत्त जी अगर अपनी बात रखें तो बहुत अच्छा। डॉक्टर मोहन जी आप रखेंगे अपनी बात? चलिए तब तक देवदत्त जी आप अगर अपनी बात रखना चाहें। चलिए। हेलो जी। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विषय भी आज बहुत ही अच्छा है प्रश्नों का, पर प्रश्नों आजकल ऐसे कल्चर डेवलप हो गए कि हम प्रश्न को देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न होते हैं। हेलो जी 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 सुन रहे हैं। अब यदि जैसे वेदों को अपुरुष है, एक ईश्वर की किताब या कुछ ऐसा माना जाता है, और सभी धर्मों में ऐसी किताबें हैं, तो वो क्या होता है कि हम अपना अपना रोना पीटते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ये व्यक्तिगत विचार है कि जो वेद है, वेद भी मतलब मेरे हिसाब से तो फाइनल हम कहीं भी रेखा नहीं खींच सकते। हाँ, उसमें कुछ नियम जो मैंने पढ़ा है और खुद भी समझा है, और विवेकानंद जी की भी इस पे वो है कि वो कुछ नियम खोजे गए हैं जो अभी तक सही पाए गए हैं। तो सारे का सारा वर्ड टू वर्ड सारी वेदों की बातें सही होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और जगह भी डेवलप हुए। मैं थोड़ी सी बात आज एक विषय के ऊपर करना चाहूंगा कि जब भारतीय शास्त्र में मतलब प्रश्न और उत्तर देने की एक बहुत अच्छी कला विकसित की है जो कि आजकल लुप्त हो गई है, और हमारे पिछड़ने का एक और कारण मैं देखता हूँ कि प्रश्न और उत्तरों में मैथ का झमेला, मतलब मैं इसी पे एक मिनट बात करूंगा। क्योंकि जब ये साइंस डेवलप हुई एरिस्टोटल से लेके अरस्तु को लेके, तो वो मैथ पे ही अलग लाइन पकड़ी, और गैलीलियो ने फिजिक्स को अलग कर दिया, और साइंस दर्शन से पूरी तरह अलग होगी, और उसमें मैथ का ही झमेला है। हालांकि ज्योतिष में भारतीय मैथ का यूज किया गया, पर बाद में क्या हुआ है कि दर्शन वाली जो ये भारतीय लाइन है, इसमें मैथ का प्रयोग ही नहीं हुआ है, और इसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो मेरे विचार से यदि हम मैथ को उसमें प्रश्नों में भी और उत्तरों में भी जोड़ें, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा ही जोड़ें, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा वो है रोल होगा, और हम इसको संरक्षित भी कर पाएंगे। अब मैं थोड़ी सी बात लेता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा विषय फिजिक्स है, पर सर ने बोला कि आप प्रैक्टिकल बताओ बच्चों को, कोरोना में कुछ नहीं सिखाए, तो मैं प्रैक्टिकली मैथ का थोड़ा सा बताता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे घर में टाइल वाला आता है, तो फिर वो अपना रेट स्क्वायर मीटर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेता है, तो बहुत सारे हमारे बीच भी एक कुछ तो जानते होंगे, पर हमारा सिर चकरा जाता है कि अब इसका हिसाब कैसे करें, क्योंकि अब स्क्वायर फुट की गणना कैसे होगी। और ऐसा नहीं कि ये मैथ वालों ने ठेका ले रखा स्क्वायर फुट को काउंट करने का, ये तो दसवीं तक ये सारी बातें बताई जाती, पर हम दूर भागते हैं। तो कारण वही है कि जो जब से ये प्रश्न और प्रश्न उत्तरों में मैथ का नया झमेला आया, तो तब से लेके हम पिछड़े, और भारतीय शास्त्र तो बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया है। तभी तो भारतीय शास्त्र को जब पश्चिम वाले लोग पढ़ते हैं तो उनको गडरिये के गीत इस तरह लगते हैं, उसमें और भी कारण है, पर ये भी एक बड़ा कारण है। तो छोटा सा मैंने एग्जांपल स्क्वायर फुट का लिया, दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा मैं एरिया का लेता हूँ। जैसे हम बोलते हैं जमीन नाप करते हैं कि ये इतने स्क्वायर मीटर है ये, तो हम कोई भी गिन के नहीं बता पाते कि मतलब ज्यादातर कि एक एक करके गिन के बताओ इसमें इतने स्क्वायर फुट है, इतने मीटर स्क्वायर है, और इसकी इंटरनल कन्वर्ज। तो मैथ वाला पार्ट हमें प्रश्नों में भी और उत्तरों में भी अपने उसमें देना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन में जो आजकल जैसे रहस्यमय क्वेश्चन की बात है, विवेकानंद जी अपने गुरु से जब पूछते हैं, तो वो मेरे को बहुत ही ऐसे लगा क्वेश्चन कि मैं नहीं तेरी तुम्हारी बात मानूंगा, तो वो कैसे वहां पे बताते हैं, ये एक
बहुत बड़ा, यदि हम शायद हम क्यूरियोसिटी को इस तरह सेटिस्फाई नहीं भी नहीं कर पाए तो ये एक बड़ा रोल है। और आजकल प्रॉब्लम क्या होगी कि हमने प्रश्न उत्तरों को छोड़ के कागजी कार्रवाई कर दी है, किताबों से और उससे बैग भर दिए, स्कूल लाइब्रेरी भर दिए। इसको सबसे पहले रिड्यूस करके प्रश्न उत्तर पे ही आना पड़ेगा। जो अभी महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि जब मृत्यु होती है एक बेटे की तो वो आता है, तो वो कहानी मतलब मैं खुद जब क्लास में जाता हूँ तो मैं बिना किताब के बच्चों को बस ये बताता हूँ न्यूटन लॉ के लिए मैं उनको सीढ़ियां चढ़ाता हूँ, तो उससे वो कहीं ज्यादा समझते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत लिख भी लेते। आजकल ये यदि हम मैथ वाला इनकलकेट कर पाए प्रश्न और उत्तरों में तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर हम उसको न्यूमेरिकली उसको कन्वर्ट कर सकें बहुत अच्छा होगा। और ये अच्छा सुंदर सुझाव है, स्वागत योग्य है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बात को भी समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की एक सीमा है। दुख को आप कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे? कर सकते हैं सर। वैसे ऑन द लाइटर साइड कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को पूरा मान दे रहा हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ ये होना। नहीं, आप एक बात बताता हूँ। मैं एक जगह में साइंटिस्ट उसमें कॉन्फ्रेंस में गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते ही है, तो फिर वो थोड़ा लाइन से बाहर मैंने भी पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन यूर आंसर और क्वेश्चन इन मैथमेटिकल वे देन यू शुड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। और वो खुद इसका नियम का पालन करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रूल मतलब जो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये सही बैठता है और बहुत जरूरी है। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है, पर मैथ को इंक्लूड करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना हम कर सकते। और दूसरा हम भागते हैं, ये मैंने बोला ना, वेदों पे कोई क्वेश्चन उठा देना तो फिर भाग जाएंगे लोग। नहीं, तो ये वाला भी समस्या है आपकी डेट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, भागने वाला कुछ नहीं है। केवल समय के साथ कई बार भाषा जो है अपेक्षित परिवर्तन नहीं होते, लेकिन अगर आप क्योंकि ये प्रयोग मैंने स्वयं करके देखा, जब मैं कंप्यूटेशनल संस्कृत सीख रहा था, उसकी प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तो जितना भी तर्क संग्रह का जो अनुमान प्रकरण था उसको मैंने पूरा एलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो बिल्कुल सर, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत अपने आप में पूरी मैथमेटिकल है। केवल आप उसको तो शब्दों में देख रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो मतलब सिर्फ लोगों को सावधान करने वाली बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप इसके वेदों पे भी लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं यदि वेदों पे कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए ना किसी पॉइंट को लेके, तो इसमें नर्वस होने की बात नहीं है। ये बात मैंने बहुत जगह कॉन्फ्रेंस में भी देखी। आदरणीय, कुछ मैं टिप्पणी कर सकता हूँ सर? बस अभी ले रहे हैं, अभी टिप्पणियां ले रहे हैं इन सभी विषयों पे। देवदत्त जी की बात पे मुझे थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा। अच्छा, आदरणीय देवदत्त जी, आपको मैं नमन करता हूँ और ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भारत के स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति, अपनी मान्यता और भारतीय संस्कृति को हीन दिखाने के जो प्रयास किए थे, वो प्रयास कांग्रेस की सरकार में भी चलते रहे। और मैं और आप उसी सरकारी व्यवस्था में पढ़े लिखे हैं जहां पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वेदादि शास्त्रों को बहुत नीचा करके दिखाया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर आप वास्तव में सनातन धर्म और वैदिक धर्म को जानना चाहते हैं तो कुछ वर्ष वैदिक विद्वानों के संगत में आकर ज्ञान प्राप्त करें, तभी आप वेदों पर बोले। मैंने बहुत समय इसमें वे किया है, बहुत सारे विद्वानों के चरणों में मैं बैठा हूं, तभी मैं जान पाया हूं। और जो वेद हैं वो ईश्वर की वाणी है। जिस प्रकार मानव मात्र के लिए ईश्वर अपनी बात, यही तो प्रॉब्लम है, ईश्वर की तो लड़ाई हो जाती है। वेद भी मानव मात्र के लिए कहता है। तो कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप किसी वैदिक विज्ञान के साथ 2-4 साल व्यतीत करें तो आप वेद ज्ञान और सनातन धर्म के बारे में जान पाएंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। चलिए, इस बिल्कुल, बात को बिल्कुल, आपके साथ तो इस विषय को फिर लेंगे।
कि गॉड का मैथमेटिक्स क्या है उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी अपने आप में एक विषय है और उस पे आर्टिकल का तो मुझे ध्यान है लेकिन उस पे चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर रोहताश जी हैं, अगर वो अपनी बात कहना चाहें, और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र जी अंतिम वक्ता रहेंगे, या अगर प्रोफेसर मोहन जी अगर दोबारा सुन रहे हो मेरी बात तो जरूर अपनी बात साझा करें। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ सब लोगों की बातें जी, लेकिन ये इतना टेक्निकल डिस्कशन है इनको, मैं तो इतना बोलूंगा सिंस आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, क्यों हम लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है ना, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं जी, जी। तो उसमें हमारा ऐसा कहना मानना होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन वाई 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 पांच बार बोलो तो यू विल गो टू द रूट कॉज। अक्सर ये होता है तीन बार में आप रूट कॉज में पहुंच, जैसे कि आप ये बिल्डिंग गिर गई या पुल गिर गया, तो क्यों गिर गया, वाई, तो दैट विल बी क्वेश्चन फर्स्ट वाई, फिर आप बोलोगे भाई इसके अंदर डिजाइन फ्लॉ था, तो देन सेकंड व्हाई दैट डिजाइन फ्लॉ वाज देयर, तो बोले दैट समटाइम्स यू नो उसके भाई दैट डिजाइनर वाज नॉट इक्विप्ड टू मेक सच अ ब्रिज, देन वो यू कम टू रूट कॉज इट फेल डाउन बिकॉज द रूट कॉज वाज द डिजाइन वाज बैड, यू नो दो क्वेश्चन या तीन वाई में हो जाता है जी, तो यहां तो एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चनिंग इन इंजीनियरिंग, मैंने आपका एक उदाहरण दिया इसका जी जी, सुंदर सुंदर उदाहरण है और यूजफुल भी, हम लोग ये डेली यूज में यूज करते हैं, हमारा वाई एनालिसिस होता है भी कोई भी कोई प्रोडक्शन में आपको पता चला कि भाई ये आप बॉटल में पानी ये कोकला भर रहे हो, एक बॉटल में कोकला भरा नहीं है, क्यों नहीं भरा, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एनालिसिस एंड देन यू आस्क दिस फाइव क्वेश्चन व्हाई 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 मोस्टली यू गेट द आंसर। वैसे डॉक्टर साहब आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान आई, क्योंकि वाई को लेकर के हम लोग भी कई बार सोचा, लेकिन मुझे लगा कि वाई जो प्रश्न अपने आप में बनता नहीं, हाउ ये तो हो सकता है कि हाउ द जो है वाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, कि पुल गिरा तो कैसे गिरा, क्यों गिरा के बजाय वो मुझे लगता है कि वस्तुतः आप पूछ रहे होते हैं कि कैसे, तो वाय वाला तो उत्तर, मतलब अगर मैं ये करने लगूं कि सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कैसे उत्पन्न हुई तो मुझे लगता है कि थोड़ा अंतर वहाँ वाय का भी जो वाय दिस क्रिएशन जो हम बोलते हैं लीला है, प्रभु की लीला है, वाय का जवाब वहां पर भी है ना। चलिए सुंदर बात है, लेकिन मतलब मुझे ये हमेशा थोड़ा सा लगता रहा, मैं क्यों से बचता रहा हूँ, कैसे वाली बात जो है वो मुझे ज्यादा युक्ति संगत लगी, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर रोहताश जी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसके बाद रविंद्र जी, और उसके बाद फिर आखिर में जो जो भी अपनी बात कहना चाहेगा वो कह के हम आज की बात को पूर्ण करेंगे जी। रोहताश जी, डॉक्टर रोहताश हाथ तो खड़ा किया लेकिन शायद नहीं कह पा रहे हैं, तो डॉक्टर रविंद्र जी। अश्विनी जी धन्यवाद आपका, पहले तो आप सबको शिक्षक दिवस की बधाई, और आपको इसलिए कि जो विषय आज का आपने चुना है वो बहुत ही सर्वोत्तम है आज के दिन के हिसाब से। एक दो बातें मैं इसमें कहना चाह रहा था, और मैं वक्ताओं को भी सुन रहा था, और जो हमें भी पढ़ाया गया आज से 40 साल से भी पहले कि प्रश्नों को लेकर, सबसे पहले सोक्रेटिस ने चलते हुए प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं सर अपनी बात कहने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि मेरा अति सीमित ज्ञान है, मेरे को कोई उपनिषदों का या वेद का या इनका कोई ज्ञान नहीं है, केवल थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने जो किया है वो सिर्फ भगवत गीता का किया है। और अब यहाँ पर आप देखिए, कभी किसी ने नहीं बताया हमें कि भगवत गीता का तो प्रारंभ ही प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं संजय से प्रश्न किया है कि मेरे पुत्र और जो मेरे भतीजे हैं उनमें क्या हो रहा है, और उसका उत्तर अंत में संजय दे देते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर विजय है।
और इस सारे बीच में यदि आप देखें लगातार प्रश्न है इस समय, क्योंकि समय कम है सर, मैंने एक छोटा सा अभी पूर्ण नहीं किया, लेख लिखा भी है अपना अपने तौर पर भगवद गीता में किस प्रकार से 10 प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी डिटेल श्लोकों के माध्यम से देने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया। आप यदि देखें अभी धृतराष्ट्र की बात की मैंने आपसे, फिर आप देखिए श्री कृष्ण का पहला जो श्लोक है दूसरे अध्याय का दूसरा, वो भी तो एक प्रश्न के रूप में ही तो है जी जी। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अबाध गति से कृष्ण अर्जुन संवाद है, अर्जुन के प्रति प्रश्न आ रहे हैं, वो जिज्ञासा है वहां पर, वो उनकी वो नहीं ले रहे हैं परीक्षा सर। इस बात के लिए मैं यदि आप दें तो एक छोटा सा आज के ही अखबार का पढ़ना चाहता हूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पिरिचुअल ट्री में प्रोफेसर जी एस त्रिपाठी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है सर। A teacher should not test students to show how knowledgeable he is. Questions should be set in such a way that it should bring out the best in students. On a similar note, a student should not ask a question to test the teacher's ability. Once it happens, it damages the sensitivity of the teacher-student relationship. Thus, for a healthy education system, the respective boundaries of ethics and morality should not be breached by teachers and students alike. अब जो मैं कहना चाह रहा था इसमें आप देखिए आज स्थिति क्या है, उसके हम भी हिस्सा रहे हैं सर। क्या हमने अपने विद्यार्थियों के बीच प्रश्न पूछने की संस्कृति विकसित की? सच्चाई इसके विपरीत है। और विशेषकर जो छोटी क्लासें हमने, आप यदि देखें, यदि आप अपने, मेरे को भी एक दो बार अवसर मिला जाने का अपनी पोतियों के स्कूल में, और जब जाकर मैंने जब पूछा तो टीचर बोली कि सर आप क्यों आ गए, मैंने कहा कि आपने बुलाया था इसलिए आई, बोले नहीं नहीं आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, ये तो शांत बैठता, किसी से झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये तो टॉपर है और जो हम कहते हैं समझ जाता है जी। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया, मैंने कहा मैडम क्या इन्होंने कभी इसने आपसे कोई प्रश्न भी पूछा है? बोले वो तो नहीं पूछा। अब अच्छा स्टूडेंट तो वो हो गया है टीचर्स के लिए कि जो कोई प्रश्न ही ना पूछे। हाँ ये तो है ही है। तो ये सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके आगे का टॉपिक है सर, 2 मिनट ले रहा हूँ, एक बिल्कुल निजी अनुभव बता रहा हूँ सर आपको। वो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा का गुण होना चाहिए जी। और जिज्ञासा का अर्थ ये नहीं है कि आप टीचर की योग्यता को देख रहे हैं, बल्कि आप वास्तव में ज्ञान लेना चाहते हैं। और इसके लिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाए उसका ज्ञान होना जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मेरी आशुतोष जी 10वीं 12वीं और BA में सेकंड डिवीजन है, कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने MA में एडमिशन लिया तो जो मेरे टीचर थे डॉक्टर के एस सक्सेना, उन्होंने पहला दिन प्रश्न सभी से किया था, मेरे से भी किया कि ये आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों चुना है? मैंने कहा सर मैं को अच्छा लगता है। बोले अच्छा किस लिए लगता है, क्यों लगता है? और फिर बोले अच्छा आपका उद्देश्य क्या है? मैंने कहा जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया प्रति प्रश्न, कहीं आप मेरी चमचागिरी तो नहीं कर रहे हैं मेरे को खुश करने के लिए? मैंने कहा नहीं सर। फिर उसने प्रश्न किया, उन्होंने कहा बोले तेरे को पता है टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? तो उन्होंने, मैंने कहा जी वो तो आप बताएंगे। तो उन्होंने यही कहा मेरे को, बोले कि पहले आप अपने में जिज्ञासा उत्पन्न करें, उनके उत्तर हमसे लें। और उसका परिणाम यह हुआ डॉक्टर साहब
77 में आप जानते कि पॉलिटिक्स साइंस में फर्स्ट डिवीजन नहीं आती थी लोगों की, यूनिवर्सिटियों में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, क्योंकि उन्होंने मेरे को निरंतर क्लास में बड़ा ही उत्साहित किया प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शिक्षा जो है हमारी जब तक प्रश्नों पर आधारित नहीं होगी, जिज्ञासा पर आधारित नहीं होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और अंत में केवल इतने कहना चाह रहा हूँ सर कि यदि आप भगवद गीता को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना सर, तो आपको उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएं, उस विधि का भी बहुत ही सुंदर निरूपण मिलता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि उसको हम ध्यान, जिज्ञासा को जरूर उत्पन्न करें सभी में। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी रोहतास जी, बहुत ब्रीफली, और उसके बाद, बस उसके बाद हम फिर अंतिम जो जो भी टिप्पणियां हैं वो एक बार लेंगे। रोहतास जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं इस विषय पर अपना विचार इस माध्यम से रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी दुनिया आई है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही हर युग में उसका ज्ञान आगे से आगे बढ़ता गया, चाहे उसमें परिचय हो, चाहे उसमें रास्ता पूछने की बात हो, चाहे बाजार की प्रक्रिया हो, यानी W5H1 का जो सिद्धांत है वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञान को प्रवर्तित करने की क्षमता रखता है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। है तो अनेकों उदाहरण मेरे पास, लेकिन एक उदाहरण बड़ा ही मार्मिक है जो समाज में जो हो रहा है उस पर बड़ा कटाक्ष करता है, द्वापर युग का। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तब भीष्म पिता से में से द्रौपदी पूछती है, मैं आपके कुल की पुत्रवधु हूं, अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप ये दृश्य देखते। दूसरा प्रश्न वो धृतराष्ट्र की तरफ कहते कि जुए की जो प्रक्रिया है, जो चीरहरण हुआ, क्या इसको रोकना किसका दायित्व है। सारी सभा में ये बात कहती है कि क्या मैं वस्तु हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्नोत्तर शैली समाज को दर्पण दिखाती है, और यही प्रश्न हमारे समाज को सुधारने के लिए अग्रसर होते हैं, और इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान निकलता है। नमस्कार सर। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सटीक बात आपने कही। अब इसके बाद किसी और का कोई प्रश्न है, कोई और बात अपनी कहना चाहता हो, तो फिर मैं चाहूंगा कि इस बात को जो है हम पूर्ण जो है वो आचार्य मुनि जी से करें, लेकिन रमेश वर्मा जी डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब जी एक बार फिर मुझे मौका एक्चुअली देने के लिए धन्यवाद। बीच में एक छोटा सा प्रश्न उठा था, वाही वाही का क्यों का। नेचुरली ये सबसे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसको सिर्फ सूचना अर्थ ताकि हम सब मित्र लोग आगे इसको खोज सके। मैं पहली बार इसका उत्तर, या कहो कि इस डायरेक्शन में कि आ गया प्रश्न उत्तर या उसका जवाब, में सांख्य दर्शन में जरूर उपलब्ध होता है, क्योंकि जहां उन्होंने प्रकृति को उत्पन्न होने का या प्रकट होने का उद्देश्य का वर्णन किया है, वो कहते हैं पुरुष के भोग और अपर के लिए प्रकृति का यह प्रकटीकरण हुआ है। नेचुरली हम लोग जब विज्ञान की तरफ जाते हैं तो वहां अक्सर ये क्वेश्चन हमें जो है अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हम व्हाट एंड हाउ में उलझे रहते हैं, जैसे आपने भी ठीक ही कहा है। लेकिन उसके अंदर भी लोग रह नहीं पाए, और एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के नाम से है, जो मित्र लोग उसको गहराई से इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। उसके अंदर हमारे जो जो भी फिजिकल यानी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैटर टू यूनिवर्स, ये सब प्रॉपर्टीज को कुछ थोड़े से फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, ये गिनते के थोड़े से हैं, अराउंड 20-30 मे बी इवन मच लेस। तो वो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में पूरा वॉल्यूम है, किसी कुछ लोगों ने बड़ा इसको गहराई से स्टडी किया है, कि यदि उन फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, मैन्यूट, तो सब कुछ होगा, ब्रह्मांड तो होगा और शायद ये प्लैनेट्स और सब कुछ होंगे, लेकिन लाइफ नहीं होगी, जीवन नहीं होगी। तो कहीं कहीं लगता है कि जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स को एडजस्ट करने के बाद ही प्रकृति लाइफ को
प्रकट कर पाई है, तो लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो हमें जैसे आपने भी बीच में माइंड बॉडी और कॉन्शियसनेस के साथ क्वेश्चन उठाए हैं। दूसरा मेरा छोटा सा कमेंट ये है कि आप जैसे आपने बड़े अच्छी लिस्ट दी है साइंस की भी और यानी स्पिरिचुअलिटी के भी जो है क्वेश्चन की, आज समय आ गया है कि दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से मिलकर के बात करने का युग है और हम समझे एक इसके रेलेवेंस क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जहां मेरी एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जब हम साइंस की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट देखते हैं, मैंने पूरी जिंदगी इसी में बिताई है, तो पीड़ा ये होती है कि हम उसको करके रहे हैं। जैसे मैं यदि बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में कहूँ, केमिस्ट्री ने हमें पॉइजनस गैस दे दी, फिजिक्स ने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब ये दे दिया, और बायोटेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस जो दिया है, और वो जो है आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज हमें AI तक ले आ गई है, जो शायद बहुत, मैं इन सभी चीज़ों के विरोध में इसलिए नहीं हूँ कि भाई मैं इनको ख़त्म करना चाहूँगा, इनके अपनी उपयोगिता है, बट ये डायरेक्शन लेस हैं, कहीं ना कहीं हम भाग रहे हैं एक मेजर इशू से जो साइंस टेक्नोलॉजी वालों को भी और इनको कंट्रोल करने वालों दोनों को फेस करना पड़ेगा, वो है एथिकल क्वेश्चन। जहां पर साइंस कहीं गहरे में, बेशक साइंस की एक अपने एथिक्स है, प्रोसेसिंग के एथिक है, एक्सपेरिमेंटेशन के एथिक्स है, बट जैसे समाज से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमें स्पिरिचुअल बेस्ड साइंस को डेवलप करने की बहुत सख्त आवश्यकता है और इमीडिएट है, और यहाँ शायद भारत इसमें लीडिंग रोल ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमें से बहुत अधिकांश जो है वेस्ट की जूठनी खा करके जी रहे हैं। तीसरा एक छोटा सा कमेंट मैं और यहाँ देना चाह रहा हूँ कि जैसे जो बहुत गंभीर प्रश्न है वो हम विचार से एक हद तक ही उसके ताने बाने को उलझा सकते हैं, नो डाउट इसमें मैथमेटिक्स का भी एक अपना उपयोग है, उसके बिना शायद मॉडर्न फिजिक्स तो पैदा ही ना हो अच्छी हो पाती, साइंस ही ना पैदा हो पाती, जिसका हम देख रहे हैं कि लैंग्वेजेस में भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब एक ये अलग विषय है। लेकिन एक चीज है जिसको हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, यदि क्वेश्चन हमारा सच में डीप है और खास तौर पे वो अस्तित्वगत है तो शायद मौन हमें बहुत मदद देगा, तो कुछ देर, कुछ समय, इवन लंबे लंबे समय के लिए भी मौन में बिताने पर हमारे बहुत सारे प्रश्न या तो गायब हो जाएंगे क्योंकि उत्तर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो यह मैं कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मैं आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूँ, और बल्कि इस शब्द, इसके लिए एक शब्द हमें, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, उपयोगी है, एथिकल साइंस की बजाय अगर हम सेंसिबल साइंस की बात करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि वो सेंस लाने जो है, वो फील लाना, वो अकाउंटेबिलिटी को अनुभव करना, वो एक शब्द है। किसी और की कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं अभी, और नहीं तो फिर मैं आदरणीय आचार्य पद्म मुनि जी महाराज जी को फाइनल कमेंट्स के लिए जो है आमंत्रित करूंगा। किसी और की कोई टिप्पणी है, ये कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो कह सकते हैं। चलिए, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्लोजिंग कमेंट्स के लिए, प्रेजिडेंशियल कमेंट्स के लिए आदरणीय आचार्य पद्म मुनि जी महाराज जी को, कि वो इस विषय को पूर्णता की ओर अग्रसर करें। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा है सर, और इसके अंदर संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परंपराओं से जुड़े हुए हम लोगों के समक्ष हैं, उनका वर्गीकरण हम लोग अपने अपने ढंग से अध्ययन के क्षेत्र के अंदर करते भी हैं। शिक्षा जगत के अंदर मूलभूत चार बातें मुझे महसूस होती हैं, जहां पर शरीर के विकास को लेकर के पहली बात है कि हमें अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है, इस बात को आगे बढ़ाना। दूसरी बात है बुद्धि के लिए, जो हमारी बौद्धिक विकास के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उनको भी हम लोग उसके अंदर संकलित कर लेते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है जिसके अंदर मन का विकास अपेक्षित है, मन का विकास मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से होना चाहिए था, मन के विकास का पर्याप्त मटेरियल हमारे पास ग्रंथों में है, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं आ पाया, ये महसूस होता है। बहुत बार व्यक्ति अपना आपा खो देता है,
बहुत बार व्यक्तियों के अंदर सहनशीलता की कमी महसूस होती है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि संस्कारों की कमी की वजह से व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक विकास न होना भी एक प्रमुख कारण होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है हमारा भाव जगत, हमारे इमोशंस, हमारी भावनात्मक जो स्थिति है। तो शिक्षा जगत में इन चारों का विकास यदि संतुलित ढंग से हो जाए तो हम एक बेहतर मानव का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वरना वर्तमान में शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है, उसका प्रयास भी हुआ है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, शरीर और बुद्धि का पर्याप्त विकास हुआ है, लेकिन दो जो क्षेत्र मन का विकास और भावना का विकास, एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार का जुड़ाव होना चाहिए, जैसा वातावरण निर्मित होना चाहिए, बहुत बार उसकी कमी हमारे को देखने को मिलती है। और ये जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, मैं समझता हूं कि इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे को इसी प्रकार के वातावरण में पूर्व में मिलता रहा है, क्योंकि जितने भी महापुरुष, चाहे वो भगवान बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, राम की, कृष्ण की इत्यादि उनकी बात करें, कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर हतोत्साहित बने हुए कृष्ण अपना अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो बोध दिया और जिसके माध्यम से भगवत गीता अस्तित्व में आई, वहां पर भी तो हम देखें तो कृष्ण के मन को शिक्षित करने में भगवान का प्रमुख योगदान रहा, उनकी भावनाओं को शिक्षित करने में उनका योगदान रहा। तो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान तभी हो पाता है जब हमारा मानसिक स्तर अच्छा हो जाए, भावनात्मक स्तर अच्छा हो जाए। जिस स्तर पर हम लोग शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं, उसी स्तर पर मानसिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए भी प्रयास हो, तो मुझे लगता है कि एक समुचित मानव के विकास में हम लोग अच्छा योगदान दे सकेंगे। तो आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा और ये भी एक बहुत सारे लोगों को जानने के लिए मौका मिलता है कि प्रश्नों को लेकर के भी हम लोग कितनी प्रकार की बातें कर सकते हैं, कितनी प्रकार की विचारधाराएं हम रख सकते हैं, और हमारे जिस भी परंपरा के जो भी शास्त्र हैं उनका उद्भव भी प्रश्नों के माध्यम से ही हुआ है, जिज्ञासाओं के माध्यम से हुआ है। या यूं कहें कि हमारी संपूर्ण जिंदगी का विकास इन्हीं प्रश्नों पर निर्भर रहता है। तो प्रश्नों को समझना और उनके बारे में इस प्रकार की बात करना बिल्कुल युक्तिसंगत है, सटीक है, समय सापेक्ष है। तो इतनी ही बात कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आचार्य, और मैं आपका धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद केवल एक वाक्य से करना चाहूंगा। वो वाक्य भी क्या है, एक विशफुल थिंकिंग कह लीजिए कि हमारे प्रश्न जो हैं वो जिज्ञासा में रूपांतरित हो। मैं परिवर्तित भी नहीं कह रहा, मैं शब्द जो रूपांतरित शब्द, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्वायरी में ट्रांसफॉर्म हो, हमारे प्रश्न हमारी जिज्ञासाएं जिज्ञासाओं में परिवर्तित हों, ताकि हम मनुष्यता के प्रति अपने दायित्व को जो है वो निर्वाहित कर सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने विचार, अपना समय, अपना ज्ञान हम लोगों के साथ साझा किया और हमारे बुद्धि का विकास किया, हमें दृष्टि दी अग्रसर होने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत जल्दी अगले चर्चा के लिए हम लोग पुनः मिलेंगे, बात करेंगे, और आने वाले समय में श्री यंत्र के ऊपर, कुछ अन्य विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, वो मैं आपको बहुत जल्दी सूचित कर दूंगा। तो इसी शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग मीटिंग छोड़ना चाहें तो मीटिंग छोड़ सकते हैं।